जून की पहली तारीख से गांव बंद आंदोलन के लिए देश भर के किसान तैयारी कर रहे हैं। 1 जून से 10 जून तक किसान गांव से सब्जियों, अनाजों और दूध जैसे कृषि उत्पादों की सप्लाई ठप करेंगे, यानी गांव से शहरों की ओर कुछ भी नहीं भेजा जाएगा। मैं गांव बंद मुहिम में शामिल हो रहा हूं, जिसको हम गांव बंद महोत्सव के रूप में 1 से 10 जून तक मनाएंगे। और ये हम इसलिए कर रहे हैं कि जो हमारे फसल के भाव मिल रहे हैं, उसमें चाहे कच्ची फसल हो, पक्की सब फसल हो, दूध हो, अनाज हो, कुछ भी हो, वो एक भाव जो है ऊंट के मुंह में जीरा के समान हो रहा है, तो इसको लेके हम गांव बंद महोत्सव कर रहे हैं। किसानों का आह्वान है, मैं इस तहत इनकी पूरी मदद करता हूँ, क्यों किसानों का सत्य दाम मिले। आज टमाटर के दाम बिल्कुल कम है, भिंडी के दाम नहीं है, मैं ये चाहता हूँ कि सब चीजों का दाम मिले, ठोस दाम मिले, इसलिए मैं बंद का पूरी तरह से आह्वान करता हूँ और आह्वान शांतिपूर्ण करना चाहता हूँ। मैं अपील करता हूँ कि सभी शांतिपूर्ण इस आह्वान को सहयोग करें, मैं 1 से 10 तक करूँगा। किसान नेताओं का कहना है कि सरकार एक बार फिर किसानों के आंदोलन को दबाने की कोशिश कर रही है और इसके लिए कई तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर आंदोलन वापस लिए जाने की अफवाहें भी उड़ाई जा रही हैं, लेकिन किसान नेता आंदोलन के लिए कमर कस चुके हैं। गांव में पुलिस किसानों को परेशान कर रही है, किसानों को यह हिदायत दी जा रही है कि आप अपनी आवाज मत उठाइए, किसानों को नोटिस दिए जा रहे हैं। जो किसान लीडर हैं, जो अपनी बात रखना चाहते हैं, समस्या का समाधान चाहते हैं, उनको प्रशासन बलपूर्वक तानाशाही पूर्वक दबाने की ओर लग रहा है। गांव में हम लोग जहां मीटिंग करते हैं वहां पर पहले पुलिस जाती है, जो ऑर्गेनाइजर है, जो किसान इकट्ठे हो रहे हैं उनको डराया जा रहा है, उनको नोटिस दिया जा रहा है और उनको जेल भेजने की धमकियां दी जा रही है। राष्ट्रीय किसान महासंघ का कहना है कि अगर आंदोलन के बाद सरकार ने मांगे नहीं मानी तो ये आंदोलन और बड़ा होगा। सरकार उसकी आंदोलन की इंटेंसिटी को शायद भांप नहीं पा रही है। जिस बड़े लेवल पर यह आंदोलन होगा, हमें पूरा विश्वास है कि सरकार हिल जाएगी इस आंदोलन से। हमारा आंदोलन बिल्कुल अहिंसक होगा, शांतिपूर्वक होगा। हम अपने लेकिन जब फल, दूध, सब्जी, अनाज को शहर नहीं भेजेंगे तो 3-4 दिन में जो उसके प्राइस आसमान छुएंगे, उससे सरकार को समझ में आएगा किसानों की ताकत इस देश में क्या है। किसानों की 3 मुख्य मांगे हैं। C2 फॉर्मूले के मुताबिक लागत से 50% ज्यादा MSP, कर्ज मुक्ति और सुनिश्चित आय। किसान लंबे समय से इन मांगों को उठाते रहे हैं, लेकिन सरकार के ढुलमुल रवैये की वजह से अब किसान गांव बंद जैसा बड़ा आंदोलन करने को मजबूर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंद किसान। व्हाट्सएप पर हिंद किसान वेब चैनल देखने के लिए 7683020370 पर मिस्ड कॉल दें या यस लिखकर व्हाट्सएप करें।